हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? प्रेस को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ। लेकिन अगर यही पिलर आपका दरक जाए तो समझिए लोकतंत्र पे खतरा आ गया। नहीं, अब देखिए कैसे। आपने थंबनेल पे देखा होगा आकथू लिखा हुआ है, बड़ा खराब सा वर्ड लिखा हुआ है, अजीब तरह का वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एक सर्वे है, जिसके हिसाब से 180 देशों में भारत की रैंकिंग 150 है। मतलब हम लोग नीचे से 30वें स्थान पे है। जो बहुत सारे छोटे छोटे देश है उनकी रैंकिंग भी हमसे बहुत अच्छी है। अब सोचिए 180 देशों में हम लोग कितने नीचे हैं। मतलब हमारे यहाँ प्रेस स्वतंत्र नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन हम लोग का आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 में दिया हुआ, और उसमें प्रेस किस में आता है, 19(1)(a) में। ये अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद 19 के 1 के ए या क में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। लेकिन ये रैंकिंग देखकर आपको कैसा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहा जाता है कि बकवास का पैसा, बकवास करने का पैसा कहाँ मिलता है, तो न्यूज चैनल पे मिलता है। आप किसी भी न्यूज चैनल को, आज के मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल जितने भी है, उनको देखिए, आपको आकथू करने का ही मन करेगा। क्यों? केवल आलतू फालतू चीजों पे चर्चा करेगी, कभी भी महंगाई, बेरोजगारी या लोकहित के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। क्या चर्चा होगी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह वगैरह। दो मुल्ले बैठेंगे, दो मौलवी बैठेंगे, दो पंडित बैठेंगे और चर्चा करते रहेंगे और आलतू फालतू एक दूसरे को, उसका उसी बकवास का उनको पैसा मिलता है, इसलिए वो लोग वहां पे जाते हैं। मीडिया हाउस को बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने खरीद लिया है और वो सिर्फ सनसनीखेज न्यूज बनाना चाहते हैं। या पेपर भी जो आपका है, अखबार जिसको बोलते हैं हम लोग, समाचार पत्र, वो जो आपके घर में आता है उसमें भी आप देखिएगा कि सरकार की तरफ से बड़े बड़े एड रहते हैं। कोई चीज का टेंडर वगैरह निकला रहता है तो 3-4 पेज उसी में भरा रहेगा, इसका उनको पैसा मिलता है। अगर वो अखबार या पेपर, जो न्यूज़पेपर है, वो अगर सरकार के बारे में कुछ गलत लिखेगा, जिस भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, अगर गलत लिखेगा तो ऐसा माना जाता है कि उसको वो टेंडर वगैरह का जो छपने का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा। मतलब उनको एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इसी वजह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग का दरक रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये रिपोर्टर एक या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप याद रखिए 150वें स्थान पे है। बहुत बुरा, इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वजह से आकथू किया है, एक लोगो है उसमें लिखा है, आप उससे बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं किस पे कटाक्ष किया गया है। हमारा तो ये मानना है कि किसी तरह पत्रकारिता हमारी सुधर जाए। देश में मेन स्ट्रीम के बहुत सारे पत्रकार जैसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून, वाजपेयी वगैरह वगैरह अलग हो गए, उनको न्यूज चैनल वालों ने हटा दिया क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे थे। रवीश कुमार को तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं है। अब इस छोटी सी जानकारी के बारे में आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये जानकारी, जरूर कमेंट करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।